लेम्बोर्गिनी अब एक स्पोर्ट्स कार कंपनी नहीं बल्कि एक एसयूवी कंपनी बन गई है। 2018 में लेम्बोर्गिनी ने अपनी फर्स्ट एसयूवी उरुस को लॉन्च किया और यहां से उरुस ने लेम्बोर्गिनी का पूरा गेम चेंज कर दिया। पिछले साल 2021 में लेम्बोर्गिनी ने वर्ल्ड वाइड टोटल 8,405 कार्स बेची, जिसमें से उन्होंने अपनी सारी स्पोर्ट्स कार्स को मिलाकर सिर्फ 3,384 कार्स बेची और बाकी बची 5,021 गाड़ियां उन्होंने अपनी सिर्फ लेम्बोर्गिनी उरुस को बेचा। उरुस लॉन्च होने के सिर्फ 4 सालों के अंदर ही लेम्बोर्गिनी की बेस्ट सेलिंग कार बन गई और इससे लेम्बोर्गिनी की सेल्स और रेवेन्यू दोनों अराउंड 50% तक इंक्रीज हो गए। लेकिन स्पोर्ट्स के मुकाबले लेम्बोर्गिनी की उरुस इतनी ज्यादा क्यों बिक रही है? तो देखो, लेम्बोर्गिनी की बाकी स्पोर्ट्स कार डेली यूज के लिए नहीं बनी है क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा कम होता है, वहीं उरुस में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। साथ ही उरुस लेम्बोर्गिनी की सबसे सस्ती कार है, जिससे लोग उरुस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए। अब लेम्बोर्गिनी उरुस के सक्सेस के बाद फरारी भी अपनी एसयूवी लॉन्च करने जा रहा है। वैसे आपकी फेवरेट सुपर एसयूवी कौन सी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और बिजनेस वीडियोस के लिए लॉजी बिज को सब्सक्राइब करें।